कौन सा काम से आप यहाँ बंदी किए, रोड जाम किए? ये संदेश टोला है और यहाँ पर आज महीनों से जो नल पाइप है, जिससे पाइप से गरीबों को पानी मिलता है, उस पाइप को यहाँ के ठेकेदार ने, रोड के ठेकेदार ने कबार दिया है और अभी तक व्यवस्था नहीं किया और बहाना बाजी बनाता है लोग। यहाँ के गरीब जो है स्नान नहीं कर पा रहे हैं, पीने की पानी नहीं है। अब ये बता जा कि गरीब कैसे जिएंगे। और ठेकेदार लोग कहते हैं कि हमारा स्ट्राइक चलता है, हम यहाँ पर मरे तो पहले पानी की व्यवस्था क्यों नहीं किया, क्यों पाइप को कबार दिया? इसलिए इस ठेकेदार पर कार्रवाई हो और क्षेत्रीय सरकार के पदाधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई का हम मांग करते हैं कि इन लोगों को ठेकेदारी का लाइसेंस रद्द किया जाए। गरीबों के जिंदगी के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और वहीं यहाँ के अंचल के जो पुलिस प्रशासन है ये लोग भी चुप बैठे रहते हैं। यहाँ पर गुंडाई होते रहता है, लूटपाट होते रहता है, छिनताई होते रहता है। सरकार के लोग जो चाहते हैं कर लेते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होता है। गरीब आज भुखमरी के कगार पर है लेकिन सुनवाई नहीं होता है। ये बताइए आप पानी को लेकर के आपने क्या प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी या किसी प्रकार के अधिकारी के पास आप लोग गए हैं? इससे पहले उन लोग सबको सूचना है और बगैर सूचना के कबर कैसे गया, मैं पूछना चाहता हूँ। यहीं पर वीडियो, यहीं पर सीओ सारी लोग हैं, सब रोज देख रहे हैं कि सब व्यवस्था यहाँ पर गड़बड़ा हुआ है। रोज आते हैं, रोज घूमते हैं, लेकिन क्या उन लोग का दुख दर्द है? वीडियो सीओ साहब को तो एसी में रहते हैं, उनको तो मजा मिलता है। यहाँ के जब प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या मजिस्ट्रेट हो, सब लोग चुप है, सब गौन है। इसलिए जनता जग चुकी है और भ्रष्ट ने कुछ सरकार को हम लोग नहीं चलने देंगे और यही हमारा वादा है। काली प्रशासन है, वोट पर आ गई है, पैसा लेने के लिए, काम के लिए कोई नहीं है।